पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने एक संदिग्ध अफगानी युवक को हिरासत में लिया। ये रेलवे स्टेशन पठानकोट एयरबेस से कुछ दिन पहले आतंकी हमला हुआ था से महज 300 मीटर की दूरी पर है। इस घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए जीआरपीएफ डीएसपी मक्खन सिंह ने बताया कि ये युवक अफगानी नागरिक है। इस युवक की पहचान नजोक मीर पुत्र बली मोहम्मद निवासी अफगानिस्तान के रूप में हुई है। इस युवक से दो मोबाइल और एक लैपटॉप, दो पिन ड्राइव और डोंगल बरामद हुई है। ये युवक 2013 में आया था। कल शाम को वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन से बिना टिकट सफर कर रहा था। टिकट पूछने पर टीटी से मारपीट करने को लेकर इसे गिरफ्तार किया गया है। इना असल नाम जरा सिया नजीक नीर सन ऑफ अली मोहम्मद जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला है। तो उम्र दी 24-25 साल है। ये विदाउट पासपोर्ट के विदाउट वीजा जरा सिया इतने भारत के घूम रहा सिया। तो अज इस आरपीएफ वाले ने साढ़े हवाले किया जो कि बिना टिकट जरा ट्रेन के आ रहा है। ये को रिकवरी की गई है एक लैपटॉप एप्पल का, दो अपने पेन ड्राइव, दो मोबाइल, एक डोंगल, तो कपड़े पुराने ये अपने ये को बरामद किए गए कि ये जेडे इस बंदे दे कोई अतवादियों जा कोई होर कोई जथेबंदी लिंक तो नहीं है। टूरिस्ट वीजे तो आया सी ते उस तो बाद जिहड़ा हैगा लोक छपके वख वख शहरां विच इह रहिंदा रिहा। शक्की होण करके इहदा जिहड़ा हैगा रिमांड जिहड़ा हैगा लिया गया हैगा। पठानकोट से जा टीवी न्यूज़ के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट।